सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टार गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल एक भाई ने पूछा था कि सर, हमें म्यूजिक में से 20-20 की म्यूजिक की जरूरत पड़ती है, यानी हम किसी म्यूजिक को 20-20 में से काट कर किस तरह यूज कर सकते हैं और किस तरह हम अपने वीडियो में बीच का म्यूजिक लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको MP3 को बीच में से काटने के बारे में भी बताऊंगा और उसको वीडियो में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम MP3 को बीच में से कैसे काट सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं बताता हूं कि वो कौन सा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टॉप में आपको लिखना है MP3 कटर। MP3 कटर लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन सामने आएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों MP3 कटर। आप इसका आइकन देख लीजिए, आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें से किस तरीके से आप अपने MP3 को काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ये वो एप्लीकेशन है दोस्तों MP3 कटर, और इसको मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपके सारी म्यूजिक है वो इसमें सामने आ जाएंगी। अब आपको कौन सी म्यूजिक को आपको काटना है, कौन सी म्यूजिक को कट करना है, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से सुन भी सकते हैं। दोस्तों, सुनने के बाद में आपको क्या करना है, इसको काटना है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक कैंची वाला ये बटन दिखेगा, कट वाला, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपके सामने ये आपका वीडियो है वो आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये 3:45 का है। अब आपको कितना वीडियो रखना है उसके लिए आप ये आगे वाला पॉइंटर है, इसको पकड़ के आप आगे तक ले जा सकते हैं। कहाँ तक आपको रखना है उसको आप ले जाके छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, और 1:35 उसके बाद में यह है फर्स्ट पॉइंटर, तो आपको इसको पकड़ना है और कहां से आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट पॉइंट पे ले जाके छोड़ना है। यहां से आप सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 30 सेकंड का रखते हैं। एक मिनट और 30 सेकंड से शुरू करके और हम 2 मिनट तक हम रखते हैं 30 सेकंड का, और इसपे हम सुन लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से चलेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको ऊपर कैंची वाला है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। आप देख सकते हैं आपका ये जो मेरा वीडियो है उसके आगे रिंगटोन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको अगर आप इस म्यूजिक को, इस रिंगटोन को आप अपने म्यूजिक में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। चलिए मैं मेरा फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि वो जो हमने काटा है, कट किया है, वो कहाँ पे मिलेगा। डिवाइस स्टोरेज में जाना है, और डिवाइस स्टोरेज में जाने के बाद में आपको ऊपर मिलेगा SD कार्ड। यहाँ पे MP3 कटर 2 नाम से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं SD कार्ड और MP3 कटर 2। तो इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो रिंगटोन में, और ये रहा अपना वो रिंगटोन। ठीक है दोस्तों, आप इसको मूव करके आप अपने फोल्डर में भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि इस रिंगटोन को या इस गाने को आप किसी वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको फिर से एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि वो कौन सा एप्लीकेशन है। इसके लिए फिर से आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है टोटल वीडियो एडिटर। आपको लिखना है टोटल वीडियो एडिटर, और ये लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको सबसे टॉप में आ जाएगा ये टोटल वीडियो एडिटर। तो आपको इसको ओपन करना है, आप इसका आइकन देख लीजिए दोस्तों, इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं यहीं से इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि आपको वीडियो में कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स वीडियो MP3, यहाँ पे मिक्स वीडियो MP3 पे आना है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऊपर है ऐड वीडियो, ऐड म्यूजिक नीचे। तो आपको ऐड वीडियो पे जाना है और यहाँ से आप अपनी वीडियो को ले लीजिए, कौन सी वीडियो को आपको, कौन सी वीडियो में इस गाने को यूज करना है। चलिए मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ से हम ऐड MP3 पे जाएंगे, और ऐड MP3 पे जाने ताकि हम जिस अभी MP3 को म्यूजिक को हमने कट किया है उसको हम ले लेते हैं। चलिए मैं, ये रहा वो रिंगटोन वाला, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। जैसे आप करेंगे तो ये आपका सामने बजना भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद में ऊपर आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कर लेना है। अब दोस्तों, इसको सेव करने के लिए आपको मिक्स वीडियो ऑडियो यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे आप अपने जो है इसका नाम दे दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे डांस दे देता हूँ, और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये सेव हो चुका है।
अब हम मैं यहाँ पे आपको ऑन करके इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने वीडियो में MP3 या म्यूजिक को कट करके आप अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो, आप अपने वीडियो में उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि आप जब ये सेव करेंगे तो आपको ये आपकी गैलरी में नहीं मिलेगा, आपको फाइल मैनेजर में जाके और टोटल वीडियो एडिटर नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपको ये जो सेव किया हुआ है वो वीडियो वहाँ पे मिलेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।